सोनभद्र में आज आक्रोशित छात्र छात्राओं ने डाइट पर जमकर हंगामा और नारेबाजी की। छात्र छात्राओं का आरोप है कि उन्हें प्रैक्टिकल में मार्क्स देने के नाम पर 2000 रुपए की मांग की जा रही है। जो छात्र पैसे देते हैं उन्हें अच्छे नंबर मिलते हैं। हंगामे को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंच गई और छात्र छात्राओं को शांत कराया। वहीं दूसरी तरफ डाइट प्राचार्य का कहना है कि मार्क्स के लिए पैसे मांगे जाने की बात पूरी तरह गलत है। छात्र अधिक मार्क्स के लिए दबाव बना रहे हैं। सोनभद्र में डाइट कार्यालय पर बीटीसी के छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा काटा और प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र छात्राओं का आरोप है कि प्रैक्टिकल में मार्क्स देने के लिए प्रति छात्र को 2000 रुपए की मांग प्रिंसिपल करते हैं और जो छात्र पैसे नहीं देते उन्हें कम मार्क्स दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब डाइट प्राचार्य से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने पैसे मांगे जाने की बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि छात्र अधिक अंक पाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं। सर, यहाँ पे हम लोग को प्रैक्टिकल के नाम पे पैसा लिया जाता है और उसके बेस पे नंबर दिया जाता है। प्राइवेट वाले पैसा देते हैं और उन लोग को अच्छा नंबर मिलता है, लेकिन हम लोग पैसा नहीं देते हैं इसलिए हम लोग को बहुत खराब नंबर मिलता है। पिछले सेमेस्टर में हम लोग नंबर पैसा नहीं दिए थे तो नंबर बहुत खराब मिला था। और सारे जितने भी जिले में डाइट है सबकी जगह कोई बेस ही नहीं नंबर देने का, और यहाँ पर भी बिना बेस के ही नंबर ऐसे दे देते हैं। और इस बार ये यूनिट टेस्ट लेके बेस बना रहे हैं लेकिन उस पर भी नंबर बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। प्रिंसिपल सर मांग रहे हैं, बोल रहे हैं 2000 पैसा दो और अच्छा नंबर मिलेगा, उसमें भी सिर्फ 100 नंबर वाले मिलेगा, सब्जेक्ट वाले बिल्कुल नहीं मिलेगा। कितना पैसा मांग रहे हैं? 2000 रुपए मांग रहे हैं पर स्टूडेंट। 2000 रुपए 2000 में 100 नंबर देंगे। हम लोग यहाँ पे 170 स्टूडेंट हैं प्रैक्टिकल के लिए सर, थ्योरी के लिए नहीं। थ्योरी के लिए तो पीएनपी देता ही है। कितना नंबर आपको कितना नंबर मिला है? पिछली बार बहुत कम नंबर मिला है सर, 100 में से 76 मिला है, जबकि प्राइवेट वालों को 98-99 मिला है। इस बार सर नंबर बोल रहे हैं सर कि क्या कहते हैं कि नहीं मिलेगा, पैसा देंगे तब मिलेगा। मैं तो अभी छुट्टी पर था, मैं 2 तारीख को यहाँ पर ज्वाइन किया हूँ। यहाँ पर इनका प्रैक्टिकल परीक्षा का है, परीक्षा का यह है कि नहीं प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिले, हम कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये लड़का कहना है कि हमको पता दी कि कितने नंबर मिलेंगे, हम ये तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे लेकिन आपको अच्छे नंबर मिलेंगे प्रैक्टिकल में। बच्चे कह रहे हैं कि आप लोग पैसा मांग रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। अगर किसी से बता दें कि ऐसा है, ये केवल वही नंबर का दबाव बनाने के लिए हमको अच्छा मतलब 100 में 100 नंबर दे दीजिए, 99 दिया जाए इसलिए दबाव बना रहे हैं, इस तरह का ऐसा कुछ नहीं है। उनका कहना है लोग मेरिट के आधार पर चयन होकर आए, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में जो पैसे जो नंबर मिलते हैं वहाँ से कम नंबर। नहीं, उनके नंबर देखिए, पिछले बार मैंने कहा था कि जो जैसा किया था वैसा नंबर मिला था। इस बार में कहा कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, उसके जो प्राइवेट से उसे कम नहीं मिलेंगे। पिछली बार भी पैसा लिया गया था। नहीं, ये गलत बात, नहीं ये गलत आरोप लगा रहे हैं नंबर के लिए, कि गलत आरोप लगा रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि ये गलत है। नहीं, गलत है, मैं कह रहा हूँ कि गलत है, ये गलत आरोप लगा रहे हैं कि नंबर हमको 100 में 100 मिल जाए। हमने कहा हाँ।